हेलो एवरीवन। सो आज हम बायोलॉजी का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सेल। तो सेल, जैसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि सेल क्या है, हम लोग हमेशा सुनते आते हैं अपने डेली लाइफ में सेल के बारे में। तो आज इसका एक बस छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हमारे सामने कि सेल एक्चुअली है क्या। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। तो बायोलॉजी में हमारा आता क्या है? बायोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, बायोस एंड लोगस। बायोस स्टैंड्स फ्रॉम लिविंग एंड लोगस स्टैंड्स फॉर स्टडी। तो ये एक्चुअली जो दोनों वर्ड्स हैं, बायो और लोगस, ये दोनों लैटिन से डिराइव्ड हैं। तो हम लोग सीधा स्किप करते हैं मेन टॉपिक हमारा सेल। तो सेल क्या है? तो जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे कि सेल एक्चुअली है क्या, तो इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े भी होते हैं, यानी मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, बहुत सारे सेल्स से जो बने हुए हैं, और हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे हैं। इतने छोटे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस पृथ्वी पर, यानी इस अर्थ पर वैसे ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करते हैं जो कि हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो फर्दर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सेल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, वी हैव क्लासिफाइड सेल इनटू मेनी डिफरेंट कैटेगरीज। सो पहले हम हमारी फर्स्ट लाइन पे वापस से आते हैं कि इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल्यूलर यानी एक सिंगल सेल से बना हुआ हो, चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुत सारे सेल्स से वो बना हुआ हो, तो उसका किसी भी लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए, उसको रहने के लिए, ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे उसके लिए मिनिमम एक चीज जो चाहिए होता है वो है सेल। एक सेल भी सारा काम वो परफॉर्म करता है जो हम, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस जो परफॉर्म करते हैं, जैसे खाना पीना, न्यूट्रिशन हो गया हमारा, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये जितने सारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे, वो सारे ब्रीदिंग पर्पसेस, जितने भी हमारे डेली लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो एक सेल परफॉर्म करता है। चाहे वो ऑर्गेनिज्म लिविंग, मतलब कि हमारा वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहे हमारे यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो। तो ये आया कहां से, ये सेल का एक्चुअली डिस्कवरी आया कहां से, मतलब कौन इसको खोजा, क्या है क्या नहीं, उसके आगे आगे बढ़ते हैं। तो वो इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो सबसे पहले हमारा इस सेल को डिस्कवर करने के लिए इसको एक माइक्रोस्कोप में देखे थे, अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसा कि हम यहाँ पे लिखे, इट वॉज ऑब्जर्व अंडर हिज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमारा डेली यूज में हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास करते हैं, यूज करते हैं, वो होता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। और वो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो बहुत ही हाई मैग्नीफाइंग पावर है, यानी जो बहुत मैक्सिमम मात्रा में जूम कर सकता था, तो उस टाइम पे वो सिंपल माइक्रोस्कोप। आज जो हम लोग माइक्रोस्कोप देखते हैं वो बहुत सारा टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट से नए नए माइक्रोस्कोप आ गए हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उस पर नहीं जाते हुए हम लोग बेसिक बस इस पे फोकस करते हैं कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर में डिस्कवर किया गया था। और वो किस पे खोजे थे? तो एक थिन स्लाइस कॉर्क का, CORK कॉर्क। तो एक्चुअली अब ये कॉर्क होता क्या है? तो कॉर्क जो हम लोग देखते हैं कि पुराने जमाने में बॉटल्स यूज होता था, तो बॉटल्स जब यूज होता था उसके ऊपर एक वुडन कलर, वुडन मटेरियल होता था जिससे वो हम लोग बॉटल कैप की तरह यूज करते थे। तो जो कैप यूज करते थे हमारा, दैट वॉज मेड अप ऑफ, दैट वॉज कॉर्क विच वॉज एक्चुअली मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। तो हमारे ट्री का जो बाहरी सतह होता है, बार्क होता है, उससे वो बना हुआ होता था। तो उसको क्या किए थे, उसको ले करके बहुत ही थिन स्लाइस में, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर से भी पतले के डायमीटर में उसको वो काटे थे, और उसको स्टेन किए थे, स्टेन किए थे। एक कंपाउंड था जिसका नाम था सैफ्रनिन, जिसको हम लोग स्टेनिंग मटेरियल कहते हैं, सैफ्रनिन। वो हमारा रेडिश कलर का, जब आप लोग क्लिनिकल्स, यानी कि जब हमारा इस पे आप लैबोरेटरी विजिट करिए जब कभी भी, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि सैफ्रनिन होता क्या है। तो उसको सैफ्रनिन से वो उसको स्टेन किए थे, और स्टेन करने के बाद उसको अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर में उसको ऑब्जर्व किए थे। जब वो ऑब्जर्व किए थे तो वो देखे कि वो हमारा जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, यानी एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट से बना हुआ था, जिसको हम लोग कहते थे सेल्स। और वो जो सेल था वो लैटिन वर्ड से आया था, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, द टर्म वॉज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट्स। तो ये जो स्मॉल रूम सेल जो था उसका मीनिंग लैटिन, सेल जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो जैसे जैसे डिस्कवरी होते गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आते गए, हम लोग देखे कि इट फॉर्म्स द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
तो अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक है हमारा स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल। तो ये फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब होते हैं नींव, बुनियादी, किसी भी चीज का बुनियादी जो था, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो मिनिमम एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा जो चाहिए होता है वो एक सेल होता है। लाइफ का जो बेसिक ढांचा चाहिए होता है, जैसे हमारा एक ढांचा स्केलेटन है, तो हमारे को पता है कि हमारे हाथ का ढांचा ऐसा, शेप स्ट्रक्चर ऐसा होना, तो वर्ड स्ट्रक्चर वहीं से आता है, ढांचे के लिए वर्ड यूज होता है स्ट्रक्चर। तो हमारा मिनिमम लाइफ के लिए जो सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी जो ढांचा चाहिए होता है वो होता है सेल, और फंक्शनल जो सारा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो यूज होता है हमारे लाइफ का, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल। तो हमारा सेल का नया क्या, वही जो डेफिनेशन जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो है जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये हुआ हमारा सेल का बेसिक एक डिस्क्रिप्शन। जैसा हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं, तो सेल जो है वो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक सबसे छोटा जो हिस्सा चाहिए होता है, जो लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए मिनिमम एक क्राइटेरिया चाहिए होता है, वो होता है हमारा सेल। तो उसको डिस्कवर कौन किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। किस पे किए थे, एक कॉर्क पे किए थे, जिसको हम लोग एक थिन स्लाइस में काट करके सैफ्रनिन सिस्टीन किए थे। वो कहां पे ऑब्जर्व किए थे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो कॉर्क जो वो डिस्कवर, जो कॉर्क वो ऑब्जर्व किए थे वो था डेड। याद रखिएगा कि वो डेड ही था। लिविंग के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट थे, एंटन वन लियो वॉन हुक, वो डिस्कवर किए थे हमारा लिविंग सेल को, डिस्कवर किए थे माइक्रोस्कोप के अंडर में। डेड माइक्रोस्कोप के लिए हमारा रॉबर्ट हुक को ही हम लोग उसको प्रोक्लेम करते हैं, और उसको ऑब्जर्व किए थे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर में। तो सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड से आता है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट्स। फिर ये हमारा क्या, सेल का जो डेफिनेशन होता है, जो प्रॉपर डेफिनेशन जो आप लोग एग्जाम्स में लिखेंगे, वो होता है हमारा इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको फर्दर क्लासिफाई करवाया गया था कि किस तरीके का सेल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स। तो दो तरीके से क्लासिफाई किए थे, एक था प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा था हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो वर्ड से बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो वर्ड कैरियोटिक जो है वो सेम है, बस अलग क्या है, प्रो और एक यू। तो जहां की हम यहाँ पे नीचे बोर्ड में आगे डिस्क्राइब किए, कैरी ऑन ये भी लैटिन वर्ड से आता है। तो कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जब हम लोग आगे फर्दर स्टडीज में जाएंगे, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे प्रोसीड करेगा, तो हम लोग जानेंगे कि कैरी ऑन जो है वो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एक और भी एक नया पार्ट होता है, वो एक सेल का ही पार्ट है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी प्रो कैरियोटिक सेल, जिस सेल में न्यूक्लियस जो बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म का हो, यानी जब हमारा लाइफ नया स्टार्ट हुआ था उस टाइम में जो सेल पाया जाता था, जब नया नया लाइफ एग्जिस्ट होना स्टार्ट हुआ था अर्थ पे, तो उस टाइम जो था हमारा प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता था उस सेल का। तो इसीलिए प्रो कैरियोटिक सेल, यानी वो सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में पाया जाता था, उसको हम लोग कहते थे प्रो कैरियोटिक सेल। और जो एडवांस्ड सेल, जो नया सेल है, जो हम लोग भी है, जिस सेल से हम लोग भी बने हुए हैं, वो है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब ट्रू, यानी न्यूक्लियस ट्रूली प्रेजेंट है। हमारा जो सेल है, हम लोग अपने सेल को निकालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो एक सेल का एक बाउंड्री होता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग उसको भी स्टेन करके देखेंगे, तो एक जो स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो दिखेगा, वो होता है न्यूक्लियस। तो यानी न्यूक्लियस ट्रूली आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर में, तो इसीलिए न्यूक्लियस जो ट्रूली न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल में, जहां पे न्यूक्लियस ट्रूली प्रेजेंट है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो सेल हमारा कैरियॉन्स यानी न्यूक्लियस के हिसाब से हम लोग दो क्लासिफिकेशन में बांटे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म का हो, यूकैरियोटिक सेल वैसा सेल जिसमें हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ट्रूली प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है, तो हमारा हुआ यूकैरियोटिक सेल। तो ये आज हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन था, जहां पे हम लोग सेल के बारे में डिस्कस किए कि क्या है सेल, कहां से आया, उसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, कौन ऑब्जर्व किया डेड सेल को, किस पे डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया स्टेन करके, और उसका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े इतने दूर तक। तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है, तो हम आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मिलेंगे, एंड थैंक यू। और इससे आपका हो सकता है जो भी टाइम है वो थोड़ा यूटिलाइज हुआ होगा। थैंक यू, गुड नाइट।